नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एडी करंट्स के बारे में। एडी करंट्स क्या होते हैं, इसका एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, एडी करंट्स होते क्या हैं। एडी करंट्स आर द करंट्स, ये वो करंट होते हैं जो कि इंड्यूस होते हैं बल्क पीसेज ऑफ कंडक्टर के अंदर। कोई भी बल्क पीस आप कंडक्टर का ले सकते हैं, जैसे कोई प्लेट ले लें या कोई इस तरह से कोई भी कंडक्टर ले लें। When the amount of magnetic flux linked with the conductor changes, अब हमें पता है जब magnetic flux linked with the circuit change होता है तो वहाँ induced EMF होती है। इसी तरह से जो eddy currents होते हैं ये तब produce होते हैं जब कोई bulk piece of conductor का हम magnetic flux change करते हैं उससे जो linked होता है। पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले तो वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक magnet है, south और north इसके pole हैं। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इस तरह से हम दिखा देते हैं, इस तरह से। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसके आसपास होती है इस मैग्नेट के, और किस तरफ जाती हैं, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं अगर आउटवर्ड हम देखें, और इनवर्ड देखें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। अब कोई एक प्लेट ले लें आप इस तरह से, मान लीजिए आपने एक प्लेट ले ली। इस प्लेट को आप इसके पास लेकर जाए और फिर इससे दूर लेकर जाए, यानी कि ये मोशन हो उसका, आप इसके पास ले जा रहे हैं और इसको दूर ले जा रहे हैं इस प्लेट को। अब इसके अंदर कुछ करंट प्रोड्यूस होगा, करंट जो है इस तरह से इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, और जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कनेक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने आप को एक एडीज की तरह अरेंज कर लेते हैं। एडीज मतलब जैसे कि आप पत्थर मारते हैं पानी के अंदर, तो आपको पानी के अंदर इस तरह की गोलाई के अंदर ये दिखती है, इनको एडीज बोलते हैं। जो लहरें आपकी तरफ आ रही होती हैं जैसे यहाँ पत्थर को पानी में मारते हैं, पानी में गिराते हैं, तो यही एडीज होती हैं। तो ये डिफरेंट तरह की बन सकती हैं, जैसे इस तरह का एक वर्ल बन सकता है यहाँ पर, या इस तरह की ये बन सकती हैं, तो इसलिए इनको एडी करंट भी बोला जाता है। तो अब यहाँ पर ये जो एडी है, या फिर इसको आप वर्ल पूल भी बोल सकते हैं, जैसे ये वाटर का वर्ल पूल होता है, तो ये जो करंट प्रोड्यूस होता है वो उस डायरेक्शन में होता है कि वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड जो है इसके साथ उसके चेंज का अपोज कर सके। अब देखिए, हमें पता है कोई भी बॉडी जो है वो अपनी जो नॉर्मल पोजीशन है उसमें रहना चाहती है, और अगर चेंज उसमें आएगा तो उसको अपोज करती है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अगर आप इसको फोर्स लगाकर मूव करना चाहते हैं तो ये मूवमेंट का, मोशन का अपोज करेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है, वो मूव कर रही है, और अगर आप इसको रोकना चाहें फोर्स लगाकर, तो वो इसका भी अपोज करेगी, वो रुकना नहीं चाहेगी। यानी कि दोनों ही कंडीशन है, जो भी उसकी कंडीशन है बॉडी की, अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में नहीं आना चाहती, मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं आना चाहती। यहां भी इसी तरह से है कि मान लीजिए जब आप इस प्लेट को इसके पास लेकर जा रहे हैं, तो यहां पर जो इसका मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस को कट करेंगे, या कहें कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है वो इंक्रीज होगा जब आप इसके पास लेके जाएंगे, क्योंकि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कॉन्टेक्ट में आएंगी। अब इस तरफ नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा कि ये जो है इसके अंदर इस तरह से जो एडी करंट बन जाएंगे कि ये उस डायरेक्शन में बनेंगे कि ये भी जो है नॉर्थ पोल की तरह ही एक्ट करे। क्यों? क्योंकि ये जो है नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है, और जैसे ही इसको आप नॉर्थ पोल की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये इसको अपोज कर रही है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इसके साथ चेंज हो रहा है इंक्रीज का, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल बन जाएगा। उसके लिए हमने पहले भी देखा था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, जैसे मान लीजिए कोई लूप हो उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, वो हम लेते हैं नॉर्थ पोल के लिए, इस तरह से बनाते थे उसको, हमने देखा था वो एरोज। और अगर साउथ की डायरेक्शन देखें, ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो उसके अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, यानी कि साउथ के लिए हम इस तरह से बनाते थे, इस तरह से और इस तरह से, ये जो साउथ के लिए डायरेक्शन बनाते थे, यानी कि ये साउथ पोल की तरह एक्ट करती थी जो कोयल थी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर यानी कि ये जो करंट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा अगर आप इसको इसके पास लेके जाएंगे नॉर्थ पोल के पास, क्योंकि जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगी, ताकि अब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को अपोज करेंगे, इसलिए नॉर्थ पोल बनने की कोशिश करेगी, इस तरह से इसके अंदर करंट अरेंज होने की कोशिश करेगा, या कहें कि जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से मूव करने की कोशिश करेंगे। सिंपल सी बात है, उसको अपोज करना है। अब अगर आप इसको वापस खींचते हैं, इस तरफ लेकर आते हैं, तो इस तरफ लेकर आएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो इससे लिंक है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा जब ये दूर जाएगा इससे, तो वो तब भी उसका भी अपोज करेगी,
उसका अपोज करने के लिए इसको जो है अपना करंट की जो डायरेक्शन है, जो एडी करंट बनेगी उनको उल्टी करनी पड़ेगी। मान लीजिए जो एडी बन रही है अब वो जो है इस तरह से चलना स्टार्ट कर देगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी यानी कि एक साउथ पोल की तरह एक्ट करना स्टार्ट करेगी। साउथ पोल की तरह एक्ट क्यों करेगी? क्योंकि ये इससे दूर जा रही है, तो वो जो है दूर जाने का मतलब है कि वो उसको अपोज कर रही है, वो उसके पास जाना चाहती है। जब पास जा रही थी तो इसको जो है इसको अपोज करने के लिए इसको दूर ही जाना चाहेगी, तब नॉर्थ पोल का तरह वो काम करेगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर नॉर्थ पोल की तरफ वो जा रही है तो नॉर्थ पोल की तरह ही एक्ट करना वो स्टार्ट कर देगी। अगर वो इसकी तरफ जा रही है, अगर नॉर्थ पोल से दूर जा रही है तो साउथ पोल की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो इस तरह से इसके अंदर जो करंट है इंड्यूस होने चाहिए जो ये चीज प्रोड्यूस कर सके। तो ये चीज कब प्रोड्यूस होगी? जब इसके पास जाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एडीज बनेंगी, यानी कि यहाँ पे करंट जो है प्रोड्यूस होगा और वो इसका अपोज करेगी। जब दूर जाएगी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा ताकि वो साउथ पोल की तरह एक्ट कर सके। ये कुछ बेसिक था जो हमने देखा, लेंज लॉ के अंदर भी हमने ये सब कुछ पढ़ा है। अब यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन ले लेते हैं इसी का। मान लेते हैं कि हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है जिसका एक पोल नॉर्थ पोल है और एक पोल जो है साउथ पोल है, और यहाँ पर हम इसकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो दिखा देते हैं कि जो नॉर्थ से साउथ की तरफ ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं आउटवर्ड अगर देखें, इनवर्ड देखें तो वो आपको इस तरफ मिलेंगी। तो ये जो है इसका फील्ड फैला हुआ है इस मैग्नेट का चारों तरफ। अब यहाँ पर हम एक प्लेट ले लेते हैं, कंडक्टिंग प्लेट है। अब इस प्लेट को हम इसके पास लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इंक्रीज करेंगी, इसके साथ कट जो होंगी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, जब दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा, यही होगा। तो अब यहाँ पर कंडीशन ले लेते हैं कि मान लीजिए जब ये इस डायरेक्शन में गई, इस डायरेक्शन में, तो इस प्लेट के अंदर क्या होगा? इस प्लेट के अंदर कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेंगे कि वो ये जो नॉर्थ पोल है उसकी तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिख रहा है इसे इंक्रीज हो रहा है, तो वो यहाँ पर नॉर्थ पोल की तरह ही एक्ट कर सके। यानी कि करंट की डायरेक्शन को इस तरह से बनाएंगे कि ये नॉर्थ पोल की तरह ही एक्ट कर सके ताकि वो उसका अपोज कर सके जब उसकी तरफ जा रहा है। अब मान लीजिए इससे दूर जा रहा हो तो प्लेट किस तरह से एक्ट करेगी? तो जो प्लेट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है अपने आप को फिर से रीअरेंज करेंगे और वो उस करंट को इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे ताकि वो साउथ पोल की तरह एक्ट कर सके। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसके अंदर जो इस तरह की एडीज बन जाती हैं जिसको हम एडीज करंट बोलते हैं। तो ये हमें क्लियर हो गया, ये हमने पढ़ लिया है। अब इसका कुछ एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं, पहला एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को ले लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट उसके चारों तरफ इस तरह से कॉइल्स हमने लगाई हुई है। यहाँ पर हमने बैटरी के थ्रू उसको पावर देनी है और यहाँ पर एक की लगाई हुई है, इसको के की बोल देते हैं। और यहाँ पर ये क्या है, सेल है या बैटरी है, कुछ भी कह लीजिए, तो इसके थ्रू हम इसको पावर देंगे। अब यहाँ पर देखिए जब की जो है यहाँ पर इसके साथ टच में नहीं है तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही हम इस की को क्लोज करते हैं, यहाँ पर टच करते हैं, तो यहाँ पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगा। अब क्या है, अभी हम की को क्लोज नहीं करते, तो यहाँ पर की अभी हम क्लोज नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, एक मेटलिक डिस्क ले लेते हैं, कंडक्टिंग डिस्क, और इसको जो है इसके ऊपर रख देते हैं। ध्यान रखना है कि अभी की जो है क्लोज नहीं है, ओपन है, तो हम इसके ऊपर रख देते हैं इसको। ये आसानी से इसके ऊपर आ जाएगी क्योंकि अभी तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम कर ही नहीं रहा। लेकिन क्या हो अगर हम इस की को क्लोज कर दें, इस की को हम क्लोज कर दें यहाँ पर, तो होगा क्या? तो यहाँ पर ये जो मेटलिक डिस्क थी ये एकदम से जो है ऊपर की तरफ जाएगी, ये इसको दूर फेंकने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसा क्यों है, ऐसा हुआ क्यों? अब ऐसा इसलिए हुआ कि देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अब जब इसके अंदर मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल बन रहा है, ऐसा मान लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मैग्नेट के हमेशा दो पोल बनेंगे बनेंगे। इसी तरह से जब ये जो डिस्क थी इसके पास थी, जब ये इसके पास थी तो हुआ क्या, जैसे ही इसने मैग्नेट की तरह एक्ट किया, जब हमने की को क्लोज किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड था इसके साथ वो चेंज हुआ इस डिस्क के साथ, उसमें एडी करंट प्रोड्यूस हुए, तो नीचे उसके भी नॉर्थ पोल बना होगा जिससे उनको एकदम अपोज मिला और उसने उसको दूर फेंक दिया। तो यही होगा, अगर ये नॉर्थ पोल है तो उसके जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा, एकदम से उसमें एडी करंट प्रोड्यूस होंगे इस हिसाब से,
वो उसको अपोज करेगा और फेंक देगा। अगर हम बेसिक समझ गए हैं तो ये भी आसान है कि अगर ये नॉर्थ पोल है तो वो नीचे वाला हिस्सा भी नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा, दोनों अपोज करेंगे, वो इसको फेंक देगा दूर। तो एक तो एक्सपेरिमेंट ये बनता है, यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर मान लीजिए हम मैग्नेट ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये ले लेते हैं हम नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल ले लेते हैं। इसी तरह से नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हम दिखा देते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब यहाँ पर हम एक प्लेट ले लेते हैं इस तरह से। अगर हम इस प्लेट को एक वायर के थ्रू हैंग कर दें और यहाँ पर ओसिलेट करें इस तरह से, इस मैग्नेटिक फील्ड में ओसिलेट करें, अब यहाँ पर ये थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? इसको हम डैम्प्ड भी बोलते हैं कि ये जो है इसकी जो ओसिलेशंस थी उनको डैम्प्ड करेगा, उनको रोकने की कोशिश करेगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे मान लीजिए इस यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, लेकिन जब ये यहाँ पर जाती है, ये प्लेट हमारी यहाँ पर आती है, तो होता क्या है, यहाँ पर एडी करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं, यहाँ पर एडीज बनने स्टार्ट हो जाते हैं, एडी करंट, इस तरह से एडी करंट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और उनकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी कि वो जो है इसका अपोज करें, जो कि चेंज हो रहा है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके लिंक्ड होगा, जब इसके बीच में आएगी, तो वो उसका अपोज करें। तो इससे क्या होगा, उसको दोनों तरफ से अपोज मिलेगा। अपोज करने से जो इसकी ओसिलेशन है उस पर फर्क पड़ेगा, वो डैम्प्ड होंगी और वो बहुत ही जल्दी रुक जाएगी। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो ये काफी देर तक ओसिलेट करते रहते। इसी तरह से एक और इसके अंदर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मान लीजिए ये जो प्लेट है आप इस तरह से लेते हैं और यहाँ पर इसी तरह से इसको रखते हैं, लेकिन अब जो ये ओसिलेशन इस तरह से नहीं होगी, अब ये जो ओसिलेशन है हम मान लेते हैं कि इस तरह से होती है कि हम इसको इस एक्सिस के अबाउट जो है थोड़ा सा घुमाकर छोड़ देते हैं। इस तरह की ओसिलेशन में क्या होगा, इस तरह की ओसिलेशन में जब ये इस डायरेक्शन में है, मान लीजिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इस तरह से चल रही हैं, तो ये बिल्कुल इसके नॉर्मल है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इस तरफ नॉर्थ मान लेते हैं, इस तरफ साउथ मान लेते हैं, तो इस तरफ जा रही हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल है ये जो प्लेट है इस समय। तो यानी कि यहाँ पर जो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा सकती हैं वो जाएंगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक जो है वो काफी ज्यादा होगा इससे चेंज, अगर हम देखें इसको इस तरह से हिला के छोड़ दें, थोड़ा सा हिला के घुमा के छोड़ दें, तो वो जल्दी से फिर से रुक जाएगी। अब इस एक्सिस के अबाउट हम देख रहे हैं, जब हम इसको थोड़ा सा घुमाकर छोड़ देंगे तो ये थोड़ा सा वाइब्रेट तो यहाँ पर ओसिलेट तो करेगी इस तरह से इस एक्सिस के अबाउट, लेकिन ये जल्दी रुक जाएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, तो यहाँ पर जो एडी करंट है वो जो है स्ट्रोंग एक तरह से प्रोड्यूस होगा और यहाँ पर वो चेंज को अपोज करेगा। और जब यही डायरेक्शन इस तरह से हो, मान लीजिए ये जो प्लेट है वो इस डायरेक्शन में चली जाती है, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है वो जो है बहुत कम पास करेंगी इसमें से, यानी कि डिक्रीज इन फ्लक्स होगा। डिक्रीज इन फ्लक्स से भी क्या होगा, वो उसका भी अपोज करेगा, वो डिक्रीज नहीं होने देगा। तो उस हिसाब से इसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होंगे कि वो उसको इसी पोजिशन पर लाने की कोशिश करेगा जो पहले पोजिशन थी। तो यानी कि दोनों तरफ से उसको अपोज मिलेगा और वो जल्दी से रुक जाएगी। तो यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल देखे, एक तो हमने देखा इस तरह से उसको प्लेट को इससे निकाला तब भी वो उसको अपोज करेगा, या फिर इस तरह से देखा अबाउट इस एक्सिस थोड़ा सा ओसिलेट करके छोड़ दे तब भी उसको अपोज मिलेगा, ये भी क्लियर है। तो अब हम कर क्या सकते हैं, अगर हमें कम से कम अपोज चाहिए किसी कंडीशन में तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं इसका एरिया चेंज। इसके एरिया को अगर हम चेंज कर देंगे तो इसका जो है अपोज भी कम हो जाएगा, यानी कि एडी करंट जो है वो अपोज भी कम करने लगेंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह की एक स्लोटेड प्लेट को ले सकते हैं। अब अगर हम इसके अंदर जो एडीज को देखेंगे तो यहाँ पर हम जो सबसे बाहर वाली लूप है उसको देख लेते हैं, तो वो इस तरह से चलेगा, इस तरह से चलेगी। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जो करंट है अगर उसके अंदर की लूप का एरिया देखें और यहाँ पर जो करंट है, मान लीजिए ये भी बाहर वाली हम एक लूप ले लेते हैं, जो करंट इसके अंदर इंड्यूस हो रहे हैं, जो एडी करंट इसके अंदर का एरिया देखें, तो वो अलग अलग होगा। अलग अलग का क्या मतलब है कि जो एडी करंट यहाँ पर इंड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पर ये कम होंगे, यहाँ पर ये रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर स्लोट काट दिए हैं, जो एरिया है वो कम है यहाँ पर, और एरिया जो इस लूप के द्वारा इनक्लोज किया गया है वो ज्यादा है,
और जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो हमारी होती है आई इंटू ए के बराबर, यानी कि ये जो है एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। एरिया कौन सा, जो कि इनक्लोज किया गया है करंट लूप के द्वारा, वो चीज जैसे यहां पर ज्यादा है यहां पर कम है, तो इसी तरह से जहां पर ये कम होगा जो एरिया इनक्लोज्ड है बाय द करंट लूप, तो वो जो है वहां पर एडी करंट भी रिड्यूस होंगे। हाँ, हम एडी करंट को रिड्यूस जरूर कर सकते हैं लेकिन उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो एडी करंट है उसको हम समझ सकते हैं, उसके दो एक्सपेरिमेंट हमने समझे, तो इस तरह से हम उसको जान सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।